नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, सतना की पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट का फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सतना की एक विशेष कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीशों की नजर में आई और उन्होंने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी का नाम तौफीक खान तनय जहीर खान 22 वर्षीय है, जो कंपनी बाग सुषमा प्रेस के पास थे और यह घटना सतना जिले के कोतवाली थाना सिटी के अंतर्गत आई। अदालत ने आरोपी को कई धाराओं के तहत सजा सुनाई है। धारा 366 के तहत उसे 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 500 रुपए का जुर्माना दिया गया है। धारा 366 के तहत उसे 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 500 रुपए का जुर्माना दिया गया है। धारा 376(3) के तहत उसे 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। इस मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति जैन ने पैरवी की है। अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने इस घटना का सुरक्षित वर्णन किया है। उनके अनुसार 1 सितंबर 2020 को सिटी कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग लापता हो गई थी। उसके पिता ने 31 अगस्त की रात घर के कमरे में सोते हुए उसे देखा था, लेकिन सुबह जब वह उठा तो उनकी बेटी लापता थी। परिजनों ने तमाम संभावित स्थानों पर तलाश की और पता चला कि कंपनी बाग के तौफीक खान भी घर पर नहीं थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। नाबालिग के पिता ने बेटी के अपहरण की आशंका जताते हुए तौफीक खान पर संदेह जताया और सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की और पता चला कि नाबालिग कटनी में है। पुलिस ने उसे मुक्त करके परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल चेकअप किया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान को अदालत में प्रस्तुत किया गया और वह बताई कि आरोपी तौफीक खान ने उसे कटनी ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी कराया, जिससे आरोपों की पुष्टि हुई। विचारणा के दौरान पुलिस ने अदालत में तमाम साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपी तौफीक खान को दोषी करार देते हुए उसे 2 धाराओं में आजीवन कारावास और 1 धारा में 3 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इन सजाओं का पालन एक साथ होगा। इस मामले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का आरोप बेहद गंभीर है और अदालत ने इसे बड़ी सजा सुनाई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में बच्चों की सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है और हमें इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। समाज को इस तरह के अपराधों के खिलाफ सहयोग करना होगा, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें और उनके अधिकारों का समर्थन कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।